please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. बढ़ते हैं आगे। सुप्रीम कोर्ट में आज जम्मू कश्मीर के लोगों को विशेष दर्जा देने वाले आर्टिकल 35A पर सुनवाई होनी है, लेकिन इस बीच कश्मीर के अनंतनाग में इसको लेकर विरोध शुरू हो गया है। लोगों ने पथराव किया है, जिसके बाद सुरक्षा बल को आंसू गैस का इस्तेमाल भी करना पड़ा है। तो आज आर्टिकल 35A पर सुनवाई होनी है और सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई होनी है कि मामला जो है संविधान पीठ को सौंपा जाए या नहीं। इस बीच यहाँ पर पत्थरबाजी हुई है और ऐसा हमने पहले भी देखा है कि कट्टरपंथी संगठन हमेशा से इस मसले को कोर्ट में चुनौती देने के खिलाफ रहे हैं। सियासत इस पर होती रही है और पहले जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी तो बंद का आह्वान किया गया था। आज जब फिर से सुनवाई होनी है 35A को लेकर के कि ये संविधान पीठ को सौंपा जाए या ना सौंपा जाए, इस बीच पत्थरबाजी की घटना सामने आई है। इसके विरोध में पत्थरबाजी हुई है। आम कश्मीर आवाम इसको लेकर क्या सोचती है ये देखने वाली बात है, लेकिन अनंतनाग में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लाल चौक के पास पत्थरबाजों में और सुरक्षा बल में झड़प हुई है। आर्टिकल 35A पर सुनवाई के विरोध में ये पत्थरबाजी हुई है। सुरक्षा बल पर पत्थरबाजी की घटना सामने आई है। रिफत हमारी सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। रिफत, हमने देखा है कि कट्टरपंथी संगठन हमेशा से इस मसले को कोर्ट में चुनौती देने के खिलाफ रहे हैं और पहले बंद का आह्वान किया गया था, अब ये पत्थरबाजी की तस्वीरें सामने आई है जब फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। देखिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे काफी कंफ्यूजन हो गए थे। कहा गया था कि 31 को हियरिंग है और यहाँ पे पहले हड़ताल की कॉल दी गई थी ज्वाइंट रेजिस्टेंस लीडरशिप की तरफ से 26 और 27 के लिए। फिर पता चला कि हियरिंग डेफर हुई है, वो 31 को होगी। लेकिन आज सुबह यहाँ पे सरप्राइज सबके लिए ये था कि आज बताया गया कि एक केस में जो है 35A को लेकर आज सुनवाई होगी। तो जो ही ये खबर फैल गई तो अनंतनाग में फटाफट लोगों ने कारोबारी इदारे बंद किए और वहां पे पथराव के लिए निकले नौजवान और उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेज पे पथराव किया। इसी तरह से कुछ और जगहों पे भी पथराव के वाकत आ रहे हैं और यहां पे हड़ताल ऑल ऑफ अ सडन ये जो है डिक्लेयर कर दिया गया, क्योंकि अभी भी काफी कंफ्यूजन बरकरार है कि ये कौन सी गली है, कौन सा केस है। तो यहाँ पे अभी भी लोगों में कंफ्यूजन है। जैसा पुलिस ने भी कहा कि रूमर्स पे ध्यान ना दें, तो इस तरीके से अब ये देखना होगा कि आज के हालात कैसे गुजरेंगे, लेकिन यहाँ पे तनाव जरूर शुरू हुआ है। रिफत, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट लेंगे, फिलहाल शुक्रिया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में पुलिस के जवान कुछ लोगों की मदद से पानी में फंसे लोगों को निकालने लगे। बताया गया कि वहां सुखरू नदी का जलस्तर बढ़ जाने से 18 मजदूर फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए जिलाधिकारी के साथ SP भी पहुंचे। एक रस्सी की मदद से फंसे हुए लोगों को निकालने लगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर मजदूर थे, 18 मजदूर फंस गए थे। इसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची, स्थानीय लोगों की मदद से इन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। पानी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया था सुखरू नदी में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मानव श्रृंखला बनाई गई, रस्सी के सहारे लोगों को बाहर निकाला गया। ये सभी मजदूर थे, 18 ये मजदूर थे जो कि नदी में मौजूद थे और अचानक से जलस्तर वहाँ पर बढ़ गया। इसके बाद पुलिस की मदद से, लोगों की मदद से, रस्सी के सहारे इन लोगों को सकुशल बाहर निकाला गया। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बिजनौर की ये तस्वीरें हैं जहां पर पुलिस के जवान लोगों की मदद कर रहे हैं। पानी में फंसे लोगों को निकाला गया। सुखरू नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया और इसमें 18 मजदूर फंस गए थे। पानी का बहाव भी काफ़ी तेज है। इन लोगों की मदद के लिए DM के साथ साथ SP भी पहुंचे और एक रस्सी की मदद से इन लोगों को निकाला जा सका। इस बीच स्थानीय लोग भी पहुंचे। पानी का बहाव काफ़ी तेज था, लेकिन सभी लोगों की मदद से ये मजदूर बच गए और सभी को नदी से बाहर निकाल लिया गया। यहाँ पे बहुत ही विषम स्थिति है, पहले से ही खतरे में है, काफ़ी सारा हिस्सा इसका कट चुका है और आज इसको मिट्टी की भरान के लिए जब हल्का पानी कम हुआ तो वो लेबर बोरे भर रहे थे और अचानक से फिर से बाढ़ का पानी आ गया बहुत ज्यादा और ये लोग फंस गए। उत्तराखंड के कोटद्वार में बारिश की वजह से जमीन खिसक गई। जमीन खिसकने से हाईवे पर कई जगह मलबा आ गया और सड़क का कुछ हिस्सा पानी के साथ बह गया, जिसकी वजह से कोटद्वार का संपर्क पौड़ी गढ़वाल से टूट गया। कोटद्वार और दुगड्डा के बीच तीन जगह पर सड़क टूटने से गिरी चट्टान के बीच लोग अपनी जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करने को मजबूर हो गए, जिसके बाद लोगों को कई किलोमीटर पैदल चलकर रास्ता पार करना पड़ रहा है। लैंड स्लाइडिंग हो रही है, हमें काफी दिक्कत हो रही है, हमें अपना कल ज्वाइनिंग लेटर लेने जाना है जिससे हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। आसमान से बरसी आफत में सबसे ज्यादा परेशान आसपास के गाँव के लोग हुए, वहीं अपने जरूरी काम से वहाँ बाहर से पहुँचे लोग भी फंस गए। हालांकि प्रशासन की तरफ से सड़क से मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया है और दावा किया जा रहा है कि जल्द रास्ता खोल दिया जाएगा। पिछले कई दिनों से देश भर में हो रही लगातार बारिश की वजह से वाराणसी में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है।
वाराणसी में 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ता हुआ गंगा का पानी घाट की सीढ़ियों और घाटों किनारे तक पहुंच गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बड़ी बात यह है कि इस पानी ने मंदिरों को भी अपने आगोश में ले लिया है। गंगा किनारे रह रहे लोग दहशत में हैं। दरअसल घाटों और मंदिरों में पानी भर गया है। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में प्रशासन ने एहतियात बरतने के लिए भी कहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पानी का बहाव काफी ज्यादा है और जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। मौसम खराब बना हुआ है। जो आसपास के इलाके हैं नदी से सटे हुए और जो खासकर निचले इलाके हैं, वहां पर लोगों की परेशानी ज्यादा बढ़ गई है। लोग परेशान हैं और डर के साए में जीने को मजबूर हैं। बिहार की रोहतास में झरने के पानी में फंसे कुछ लोगों को इलाके के लोग मानव श्रृंखला बनाकर निकालने लगे। बताया गया कि वहां कैमूर की पहाड़ी पर तुतला भवानी मंदिर के झरने में ये लोग नहाने गए, लेकिन इसी बीच झरने का पानी तेजी से बढ़ गया और वहां नहा रहे लोग पानी के तेज बहाव में फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए मंदिर प्रबंधन कमेटी के लोग वहां पहुंचे और एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक मानव श्रृंखला बना ली। इसके बाद एक एक कर पानी के बहाव में फंसे लोगों को निकालते नजर आए। हमारे कमेटी मेंबर के द्वारा यहां पे रेस्क्यू कराया जा रहा। इस बीच झरने का पानी तेजी से नीचे गिरता रहा। बताया जा रहा है कि पानी में करीब 40 लोग फंसे थे, जिनमें करीब 20 महिलाएं थी। काफी देर तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी लोगों को निकाल लिया गया। जय माँ तुतलेश्वरी भवानी। इलाके के लोगों का दावा है कि मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालु झरने में नहाने जाते हैं, लेकिन पानी के बहाव में फंसने की घटना पहले नहीं हुई। उत्तराखंड के चंपावत में एक सड़क पर पहाड़ का हिस्सा टूटकर गिर गया, जिससे सड़क पर मलबा जमा हो गया और रास्ता बंद हो गया, जिसके बाद कई सड़कों पर मलबा जमा हो गया। तेज बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया और तेज बहाव के साथ बहने लगा। इस बीच वहां की कई सड़कें धस गई, वहीं बारिश का पानी भी तेज बहाव से नीचे बहने लगा, जिससे वहां से गुजरने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालात को देखते हुए प्रशासन ने एहतियात के तौर पर कई रास्तों को बंद कर दिया और लोगों की वहां से गुजरने पर पाबंदी लगा दी। हालांकि इस बीच हालात इतने बेकाबू हो गए कि वहां से गुजरने वाले ट्रकों को भी रास्ते में ही रोकना पड़ा। उत्तराखंड के नैनीताल में कुछ लोग सड़क पर आए पहाड़ी नदी के पानी के बीच से अपनी गाड़ियां निकालने लगे। सड़क पर पानी का बहाव इतना तेज था कि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन कुछ लोगों ने इसकी परवाह नहीं की और अपनी गाड़ियों को पानी के तेज बहाव के बीच से निकाल कर ले गए। सड़क पर पानी इतनी तेजी से बह रहा था मानो वहाँ कोई नदी बह रही हो। गाड़ियों को वहां से निकलता देख कुछ बाइक सवारों ने भी पानी के तेज बहाव में निकलने की कोशिश की। इस दौरान उनकी बाइक भी रास्ते में फंस गई, जिसे वो धक्का देकर वहां से निकाल कर ले गए। बताया जा रहा है कि पहाड़ी नदी का पानी मलबे के साथ सड़क पर आ गया, जिससे सड़क का एक हिस्सा भी पानी में बह गया। इस दौरान सड़क के दोनों किनारों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं और लोग वहां कई घंटों तक फंसे रहे। उत्तराखंड में कुछ लोग एक ट्रैक्टर की मदद से पानी के तेज बहाव में फंसी गाड़ी को निकालने की कोशिश करने लगे। हरिद्वार चीला मार्ग पर बीन नदी में अचानक पानी का जलस्तर बढ़ने से उसमें एक गाड़ी फंस गई थी। वहां के लोगों ने बिना वक्त गंवाए लोगों को निकालने की जद्दोजहद शुरू कर दी। सबसे पहले इलाके के लोगों ने किसी तरह गाड़ी में बैठी सवारियों को बाहर निकाला, फिर ट्रैक्टर की मदद से पानी के बीच में फंसी गाड़ी को खींचकर बाहर ले गए। तो पानी के तेज बहाव में ये गाड़ी फंस गई थी। तस्वीरें आप देख सकते हैं और ऐसी तस्वीरें इस मौसम में लगातार देखने को मिल रही है उत्तराखंड से। इस बार कुछ लोग ट्रैक्टर की मदद से पानी के तेज बहाव में फंसी गाड़ी को निकालने की कोशिश करने लगे। ये आप देख सकते हैं ट्रैक्टर पीछे है उसके, इससे लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। हरिद्वार चीना मार्ग पर बीन नदी की ये घटना है, जहां पर पानी का जलस्तर अचानक से बढ़ जाता है और फिर उसमें एक गाड़ी फंस जाती है। वहां के लोगों ने बिना वक्त गवाए लोगों को निकालने की कोशिश शुरू की। सबसे पहले इलाके के लोगों ने किसी तरह गाड़ी में बैठी सवारियों को बाहर निकाला और फिर ट्रैक्टर की मदद से पानी के बीच में फंसी गाड़ी को खींचकर बाहर ले गए और लोगों ने कामयाबी भी हासिल की इस गाड़ी को बाहर निकालने में। आप देख सकते हैं जो इस गाड़ी के अंदर लोग मौजूद थे वो गाड़ी के ऊपर आ गए और ये सब मुमकिन हो पाया वहाँ पर स्थानीय लोगों की मदद से। ट्रैक्टर से इस गाड़ी को बांधा गया, उसकी मदद से इस गाड़ी को बाहर निकाला गया। ये जो नदी है इसका जलस्तर अचानक से बढ़ गया, यहाँ से गाड़ी गुजर रही थी, इसके बाद ये गाड़ी फंस गई और ट्रैक्टर की मदद से इस गाड़ी को बाहर निकाला जा सका। नहीं होना चाहिए।
ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर लोगों को निकालने की कोशिश की गई, ये गाड़ी अचानक से फंस गई। लोग एक ट्रैक्टर की मदद से पानी के तेज बहाव में फंसी गाड़ी को निकालने की कोशिश करने लगे, जैसा कि तस्वीरों में हम देख सकते हैं। हरिद्वार चीला मार्ग की ये घटना है। बीन नदी है ये, बीन नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया, पानी का बहाव भी काफ़ी ज़्यादा था और जलस्तर बढ़ने से एक गाड़ी उसमें फंस गई। वाइट सफ़ेद कलर की गाड़ी को आप देख सकते हैं जो फंसी हुई है। ऐसे में जो लोग थे आसपास के, उन्होंने बिना वक्त गवाए लोगों को निकालने की कोशिश की और वहां पर ट्रैक्टर की मदद से गाड़ी में बैठी सवारियों को पहले बाहर निकाला, फिर ट्रैक्टर की मदद से पानी के बीच में फंसी गाड़ी को खींचकर बाहर ले गए। अचानक से पानी का बहाव तेज हो गया, बारिश वहां पर आफत बनकर टूटी है और लगातार उत्तराखंड में मौसम खराब बना हुआ है। जो बरसाती नाले हैं वो भी नदियों पर आ रहे हैं, नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में बाढ़ का खतरा लगातार बना रहता है और जो गाड़ियां गुजरती हैं उन पर सबसे ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि पिछले कई दिनों में ऐसे गाड़ियों की फंसने की कई घटनाएं हम देख चुके हैं। ये बीन नदी है जिसका जलस्तर अचानक से बढ़ जाता है। उत्तराखंड की तस्वीरें हैं जहाँ पर लोग जो इस गाड़ी के अंदर मौजूद थे देख रहे हैं, गाड़ी टेढ़ी हो चुकी है, लेकिन ट्रैक्टर की मदद से लोगों ने यहाँ पर इनकी मदद की और सूझबूझ से काम लिया। ट्रैक्टर की मदद से गाड़ी को बाहर निकाला गया। राहत की बात ये रही कि जो इसमें लोग थे, गाड़ी के अंदर मौजूद थे, उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। गाड़ी को भी ट्रैक्टर की मदद से किनारे कर दिया गया। लोगों की सूझबूझ की वजह से ही ये लोग बच पाए। डर में लोग जी रहे हैं, डर के साए में जीने को मजबूर हैं, क्योंकि हालात वहाँ पर ऐसे हैं, निकासी पानी की नहीं हो पा रही है, बारिश लगातार हो रही है, जलस्तर नदियों का बढ़ रहा है और निकासी नहीं होने की वजह से वहाँ पर सड़कें भी तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने हैं जहाँ पर पानी के तेज बहाव में एक गाड़ी फंस गई थी। ट्रैक्टर की मदद से लोगों को इसमें से बाहर निकाला गया। पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा है और अगर यहाँ पर समझदारी से काम नहीं लिया गया होता, जो स्थानीय लोग हैं वो इस गाड़ी सवार की मदद के लिए आगे नहीं आते, तो हादसा हो सकता था। इन लोगों के डूबने का खतरा भी बना हुआ है, जैसा कि इन तस्वीरों को देख करके समझा जा सकता है। स्थानीय लोगों की मदद से, उनकी सूझबूझ से इन लोगों की जान बच पाई। हम देख पा रहे हैं कि स्कॉर्पियो के ऊपर दो लोग नज़र आ रही हैं जो कि सकुशल बच गए और गाड़ी को भी बाहर निकाल लिया गया। ट्रैक्टर की मदद से ये संभव हो पाया क्योंकि पानी का बहाव इतना ज़्यादा है कि बीच नदी में जाने की हिम्मत कोई नहीं दिखा पाया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में एक पहाड़ के ऊपर बने पुल के नीचे की जमीन खिसक कर नदी में जा गिरी। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से वहां पहाड़ की मिट्टी में कटाव हो गया और फिर अचानक पुल के नीचे की जमीन का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर नीचे बह रही नदी में जा गिरा। इस दौरान वहां इलाके के कुछ लोग भी मौजूद थे जो बारिश के बीच छाता लेकर खड़े हुए थे। नदी के ऊपर बने लोहे के पुल के नीचे की मिट्टी इसके बाद धीरे धीरे गिरती रही। तेज बारिश की वजह से वहां पहाड़ के कई हिस्सों में कटाव हो गया, जिसमें पुल का हिस्सा भी आ गया। लेकिन गनीमत ये रही कि इस घटना के समय पुल के ऊपर से गुजरने वाली गाड़ियों को इलाके के लोगों ने पहले ही रोक दिया था। भारी बारिश की वजह से उत्तराखंड में अलर्ट जारी किया गया है। नदियां उफान पर हैं और कई इलाकों में जमीन खिसकने की घटनाएं बढ़ गई हैं। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में लगातार हुई बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मूसलाधार बारिश से जिले की सभी नदियां नाले उफान पर हैं। सरयू नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। वहीं लगातार हो रही बारिश से जिले के 20 मोटर मार्ग भी बंद कर दिए गए हैं। ये तस्वीरें हैरान करती हैं। पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा है, जैसा कि हम देख सकते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि ये सरयू नदी है जो कि उफान पर है और लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में लगातार बारिश हो रही है, लोग परेशानी में हैं। मूसलाधार बारिश से जिले की नदियां उफान पर है, नाले उफान पर है। सरयू नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। लगातार हो रही बारिश से जिले के 20 मोटर मार्ग भी बंद कर दिए गए हैं। अभी तक कई लाख लोग इस बारिश की वजह से, बाढ़ की वजह से बेघर हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें डराने वाली हैं। लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं क्योंकि रास्ते एक तरह से नदी में समा जा रहे हैं। कई इलाके ऐसे हैं जिनका संपर्क टूट चुका है पूरी तरीके से।
लोगों को काफी नुकसान हुआ है, जो जरूरी सामान है वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। ये दर्द का सैलाब है। ये सरयू नदी है जिसका जलस्तर बढ़ा हुआ है, बाढ़ का खतरा है, और जो नदी के आसपास इलाके हैं वहाँ पर परेशानी ज़्यादा है और कई मोटर मार्ग भी इस बारिश की वजह से बंद हो गए हैं। पहाड़ों पर पानी का प्रहार जारी है। अभी सबसे ज्यादा प्रभावित ऋषिकेश है। ऋषिकेश में गंगा का पानी डरा रहा है, घाटों पर पानी भर गया है। यहाँ भगवान शिव की विशालकाय मूर्ति के आसपास पानी तांडव कर रहा है। मंदिरों की ओर जाने वाले रास्ते खतरे से खाली नहीं है। ये ऋषिकेश की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहाँ पर घाट पूरी तरीके से पानी में समा चुके हैं। शिव की मूर्ति के पास पानी का तांडव है और हमने देखा था जब आपदा आई थी उस समय भी मूर्ति को काफ़ी नुकसान पहुंचा था, पानी पहुंच गया था, और अब यहां पर पानी आप देख सकते हैं खतरे के निशान को पार कर गया है पानी, और कई घाट पानी में समा चुके हैं, मंदिरों तक पानी पहुंच गया है, पानी का बहाव भी काफ़ी तेज़ है। ये तस्वीरें लोगों को डरा रही हैं और ख़ासकर एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। एडवाइजरी भी प्रशासन की तरफ से जारी की गई है कि घाटों के आसपास ना जाएं, खतरा बना हुआ है। और मौसम विभाग का भी कहना है कि अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। पिछले काफ़ी दिनों से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है, ऐसे में नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। ये ऋषिकेश में घाटों पर पानी भर गया है, लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। आसपास पानी के पास लोगों को ना जाने के लिए कहा गया है। यहाँ पर अलग अलग लेवल्स बनाए गए हैं, आप देख सकते हैं हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कें पानी में समा गई हैं, रास्ते पानी में समा गए हैं, लोगों की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ गई हैं। ये शिव की मूर्ति है जहाँ पर पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा है।